so in the chapter of organizing yesterday we discussed about the features and importance of organizing now in today's class we'll be discussing the organization structure there are two kinds of organizational structure that is functional structure and divisional structure we do have certain advantages that is merits of functional structure and also disadvantages of functional structure we do have certain disadvantages of divisional structure, but together with the advantages of divisional structure. And at the end, we will be giving a judgment, we will be giving our suggestion that for which kind of organization, which kind of structure is suggestible. Okay. But before we start with the advantages and disadvantages, we will just understand the meaning of functional and divisional structure. That what do we mean by functional and divisional structure? Let us start with the functional structure. The word फंक्शनल मीन्स बेस्ड ओवर फंक्शंस आप इस वर्ड से देख सकते हैं क्या क्या लिख रहे हैं यहां पर वर्ड फंक्शन यू कैन अंडरस्टैंड हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे दैट विल बी बेस्ड ओवर द फंक्शन टू बी परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट तो हमने जो डिपार्टमेंट क्रिएट किए वो हमने क्रिएट किए हैं जो उनमें फंक्शन परफॉर्म होने वाले हैं उसके बेसिस पे दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट काइंड ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर नाउ कम्स द नेक्स्ट वन दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर तो इसमें आप फर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ डिविजन डिवीजन जिसको हम सेगमेंट भी कहते हैं तो यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर में जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं वो क्रिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन टू बी परफॉर्म बट ऑन द बेस ऑफ द प्रोडक्ट सब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंपनी है जो मेडिसिन भी बनाती है और फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स भी बनाती है तो फॉर द मेडिसिन फार्मास्यूटिकल विल क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट एंड फॉर द एफ एम सी जी प्रोडक्ट विल क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट अगर वो पेट्रोलियम में भी इन्वॉल्व है विल क्रिएट अ थर्ड डिपार्टमेंट फॉर दैट तो जहां पे हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन जहां पे हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट किए हैं उसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर और जहां पे हमने ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं उसे हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर और इसके साथ में एक चीज और बता दू मैं आप लोगों को हर डिविजनल स्ट्रक्चर में हर डिविजनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है यानी कि अगर मैंने एक फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट अलग बना दिया और एक एफ डिपार्टमेंट अलग बना दिया अब फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम उसका सब कैटेगरी बनाएंगे सब डिवीजन करेंगे और इसी तरह से जो आपका एफएमसीजी डिपार्टमेंट है उसमें भी सब डिविजन ऑन द बेस ऑफ फंक्शन किया जाएगा फंक्शंस के बेसिस पे तो स्ट्रक्चर क्रिएट हो ही होगा लेकिन सबऑर्डिनेट लेवल पे इनिशियल लेवल पे हमने क्या कर दिया डिविजनल स्ट्रक्चर यानी ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट कर दिया ऐसा हम कब करते हैं ये चीज समझना भी जरूरी है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है तो उसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है तो उसके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर अच्छा है हमारे पास में एग्जाम्पल है रिलायंस इंडिया लिमिटेड रिलायंस इंडिया लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन में भी है पेट्रोलियम में भी है अदर उसके रिटेल सेक्टर में भी है ठीक है तो जहां पे अलग अलग डिफरेंट डिजन्स उन्होंने बना रखे हैं तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है और फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उन्होंने हर डिवीजन के अंडर में भी फंक्शनल स्ट्रक्चर कर रखूंगे यानी कि उसमें उन्होंने अपना एचआर डिपार्टमेंट अलग रखा होगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग रखा होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग रखा होगा डिफरेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन किए गए होंगे अब देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेजेस हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेजेस हैं देन विल जस्ट फॉलो विद द डिसएडवांटेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ही फंक्शन परफॉर्म होता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्योंकि हमने डिपार्टमेंट को फंक्शन के बेसिस पे डेवलप किया है सो इट रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइजेशन ऑफ द वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज प्रोडक्शन एक्टिविटी में स्पेशलाइज हो जाएंगे देन द सेकेंड मेरिट इज बेटर कंट्रोल एंड कोडिनेशन बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट

जहां पे आपका स्पेशलाइजेशन आएगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होना तो ऑब्वियस वर्क हो जाता है जहां पे हमने स्पेशलाइजेशन अचीव किया है तो एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी एम्प्लॉय की बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन सो दिस इज द थर्ड एडवांटेज फ्रॉम द फंक्शनल स्ट्रक्चर देन कम्स मिनिमाइजिंग द कॉस्ट हाउ द कॉस्ट इज मिनिमाइज बिकॉज एफिशियंसी इंक्रीज हुई है जब आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है जब आपने स्पेशलाइजेशन डेवलप किया है तो ऑब्वियस बात है कि आप आप इस वर्क को बेटर परफॉर्म कर पाएंगे यू विल वर्क विद एफिशिएंसी दैट इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज विद द लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इट विल रिजल्ट इन मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट जहां रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे ऑप्टिमली यूटिलाइज होंगे तो कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी ना ठीक है और उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है

वालों को परचेज वालों को मार्केटिंग वालों को सबको एक साथ ट्रेनिंग देना इट इज देनाली डिफिकल्ट टास्क मे बी नेक्स्ट टू द इम्पोसिबल ओनली बट जहां पे डिपार्टमेंट्स क्रिएटेड है सेपरेटली तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को प्रोडक्शन की ट्रेनिंग अलग से उस डिपार्टमेंट में दे दी जाएगी अगर कहीं को टैक्सेशन वगैरह की पॉलिसीज में चेंज आता है तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके उनको ट्रेनिंग उसके बारे में दे दी जाएगी तो ये एक और इसका बेनिफिट हो जाता है दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन ईज इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज देन कम्स द प्रॉपर अटेंशन

ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी अगर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी तीन डिपार्टमेंट हैं और तीनों अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं एक ही कंपनी के अंडर में तीन डिपार्टमेंट से तीनों अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ए आपका फुटवेयर हो गया डिपार्टमेंट बी आपका फार्मास्यूटिकल हो गया और डिपार्टमेंट सी आपका टेक्सटाइल बिजनेस हो गया अब इन तीनों डिपार्टमेंट्स को आपने फुल ऑटोनमी दे रखी है कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेगमेंट कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है वी कैन इजिली इवेल्युएट एंड वी कैन सेट द अकाउंटेबिलिटी दैट डिपार्टमेंट दिस वन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हैज अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट हैज इनकर्ड अ लॉस अगर ऐसा होता है वी कैन जस्ट सेट द अकाउंटेबिलिटी दैट वाई योर डिपार्टमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग गुड एंड इन केस एनी पर्टिकुलर सेगमेंट एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज कंटिन्यूसली इंकरिंग लॉस इज

तो वो सीधा सीधा क्या बोल देंगे जस्ट ब्लेम ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा और टाइमली सप्लाई नहीं दे रहा है आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे परचेज डिपार्टमेंट हमें टाइमली रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता है तो ये क्या हो गया ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है फंक्शन स्ट्रक्चर में तो लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में तो पूरी ऑटोनोमी उस डिपार्टमेंट की उन्हीं के पास में है तो प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ दे हैव टू आंसर देर अकाउंटेबिलिटी कैन बी सेट देन कम्स द थर्ड एडवांटेज डिजनल स्ट्रक्चर दैट इज फ्लेक्सीबिलिटी एंड मोर इनिशियेटिव फ्लैक्सिबिलिटी तो किस बेसिस पे हुई बिकॉज उस डिपार्टमेंट के सारे डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं इवन अगर उनको कोई चेंज करना है तो वो भी डिपार्टमेंट टू देंजेस टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट बट इनिशियेटिव की जब बात आ रही है तो वो भी है मोर इनिशिए बाय द एम्प्लॉय बिकॉज उन्हें पता है कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा सो इन दाइल्ड

बिकॉज जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है या फिर न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो ऐसी सिचुएशन में डिविजनल स्ट्रक्चर ही बेटर रहता है आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑलरेडी अब आप उसमें ऐड करना चाहते हैं न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट तो आप एक नया डिवीजन स्ट्रक डिवीजन क्रिएट कर दीजिए नया सेगमेंट क्रिएट कर दीजिए उसमें सारे नए एम्प्लॉयज अपॉइंट हो जाएंगे एंड दैट विल दैट डिपार्टमेंट विल स्टार्ट वर्किंग इंडिपेंडेंटली अंडर वन सिंगल एम्ब्रेला

फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड समिस एडवांटेजेसर विस्ट डिस इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर जहां पे आपने डिपार्टमेंट क्रिएट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन टू बी परफॉर्म वहां पर सबसे बड़ा जो डिस है लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करना चाहता है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने ओन डिपार्टमेंट uh, अपने डिपार्टमेंट के लिए वर्क करना चाहता है इवन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू अचीव हिज ओन टारगेट ओनली एंड दे जस्ट कीप द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टू बी सबॉर्डिनेट सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर इवन अभी अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे ब्लेम गेम बहुत होता है खुद के डिपार्टमेंट्स का तो जो भी टारगेट अचीव करना है वो कर लेंगे और इवन अगर उसमें कोई डेविएशन आता है दे विल जस्ट पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे दे जस्ट विल शिफ्ट द बर्डन ऑफ दैट लॉस ओवर द अदर डिपार्टमेंट कि हम तो अच्छा कर रहे थे दूसरे डिपार्टमेंट ने हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया देन द सेकेंड डिसएडवांटेज इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर इज प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन तो वो दोनों इंटर रिलेटेड वाली ही बात आ रही है प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन इसी वजह से बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन नीच अदर जब तक परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल टाइमली परचेज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं देगा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं करेगा तो आगे सेल्स नहीं हो पाएगी जब तक प्रॉपर सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं होगी और उनके डेटाज अवेलेबल नहीं होंगे तो अकाउंट्स और फाइनेंस में दिक्कत आएगी जब फाइनेंस अरेज नहीं होगा तो परचेज डिपार्टमेंट परचेज नहीं कर पाएगा सो so, सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं no department can work independently and there may arise a problem in coordination because every department wants to keep himself to be the superior her department so it may result in coordination also among different departments and it may result in conflicts of interests of different departments or managerial heads and lastly it is a little bit inflexibility is there as whatever decisions have been taken once and have been implemented, whatever plans have been formulated and implemented. Now, in case you want to make a change in that plan, the change in plan of one department will make an effect over the other department, the change in the other department will make an effect over the third department.

कि एक डिपार्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेता है दूसरा डिपार्टमेंट कम प्रॉफिट अर्न करता है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट conflict, कॉन्फ्लिक्टाइज हो सकते हैं द प्रोडक्ट मे बी अ कॉस्टली वन क्यों कॉस्टली हो सकता है बिकॉज कुछ ऐसे हैं जो कंबाइंडली परफॉर्म किए जा सकते थे बट सेपरेट डिपार्टमेंट बनाने की वजह से उन डिपार्ट उन फंक्शन को हम रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं या कह सकते हैं हम उनको रिपीट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला आपका एडवर्टीजमेंट अगर आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो एक एडवर्टाइजमेंट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एडवर्टाइज हो जाएंगे और सभी प्रोडक्ट्स का अगर आपने सेपरेट एडवर्टाइजमेंट दिया तो ऑब्वियसली द कॉस्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द द नंबर ऑफ टाइम्स एडवर्टाइजमेंट हैव टू बी गिवन सेकेंडली जब फाइनेंस आप अरेंज करते हैं तो सभी डिपार्टमेंट्स अगर अलग अलग शेयर इशू करते हैं उस सिचुएशन में सबके शेयर इशू एक्सपेंसिज अलग लग रहे हैं अदरवाइज एक ही कॉमन डिपार्टमेंट होता तो वो एक्सपेंसिज बच जाते हैं। अगर हम एच की बात करें यानी कि स्टाफिंग के समय पर सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने डिविजन के लिए अपने अपने सेगमेंट के लिए अलग से स्टाफिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे यानी सेपरेट रिक्रूटमेंट ऐड होगा सेपरेट इंटरव्यू पैनल सेट होगा सेपरेट पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम डेवलप होगा तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी अदरवाइज कंबाइंड फंक्शन परफॉर्म हो जाता तो एक ही बार में रिक्रूटमेंट ऐड एक सिंगल ऐड के थ्रू सारे रिक्रूटमेंट्स हो जाते और एक ही सिंगल पैनल के थ्रू सारे अपॉइंटमेंट्स हो जाते अगर आप अकाउंट्स बना रहे हैं वो भी हर डिपार्टमेंट में सेपरेटली बन रहे हैं तो अगेन अलग आपको सी अपॉइंट करना है अलग एम बी अपॉइंट करना है इन सारी सिचुएशन में इट रिजल्ट इन हाई कॉस्ट सो डिविजनल स्ट्रक्चर में रिजल्ट इन कॉस्टली अफेयर एंड वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट अगेन सेम पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है कि हर डिपार्टमेंट चाहेगा कि मेरे खुद का टारगेट अचीव होना चाहिए मेरे डिपार्टमेंट में प्रॉफिट दिखना चाहिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट उससे हमें मतलब नहीं है तो इट मे बी पॉसिबल दैट ईच सेगमेंट दैट यू हैव क्रिएटेड मे स्टार्ट वर्किंग इंडिपेंडेंटली फॉर देयर ओन सेल्फ ऑब्जेक्टिव सो दिज आर द फ्यू ऑफ द डिसडवाटेजेस अंडर द डिजनल स्ट्रक्चर सो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिस ऑफ फंक्शनल एंड फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर टूगेदर विद द मीनिंग ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मूविंग फर्दर अब हमें ये समझना है कि किस तरह के बिजनेस के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेफरेबल है या हम रिकमेंड कर सकते हैं सिंपल so सी बात है, कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ पे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं फॉर देट काइंड ऑफ बिजनेस डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेफरेबल बट द ऑर्गेनाइजेशन इन विच द only single product is uh, produced the organization in which we just produce a single product and which have a vast level of uh, activities to be performed at a large scale jahan pe sirf ek product आप बनाते हैं और उसे आप uh, promote करते हैं या फिर उसे आप sell करते हैं बहुत ही vast scale पे बहुत large scale production अगर आपका है तो वहाँ पे function structure आपके लिए preferable है for example वगैरह होती हैं तो माइंड्स में तो फिक्स बात है कि उस माइंड में से बस रॉ मटेरियल आपको एक्सट्रैक्ट करते जाना है तो वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर का कोई पर्पज ही नहीं है वहां पे हम क्या बनाएंगे वहां पे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म हम वहाँ पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे क्योंकि वहाँ पे एक ही काम है लेकिन वो काम भी बहुत लार्ज स्केल पे होता है तो वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है जहां बात करें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो जैसे पतंजलि हो गया डाबर हो गया रिलायंस हो गया यहाँ पे ये डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ये ऑफर करते हैं तो उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेफरेबल होता है सो दिस वॉज द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और किसी के माइंड में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं